अस्सलामुअलैकुम जी, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे चैनल ग्रीन रन पे। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सब लोग को सलामत रखें। तो आज का वीडियो खास होने वाला है। आज विंटर्स चल रहे हैं और जनवरी का मंथ है, तो मैं अभी अपने घर से बाहर आया हूँ, अपने ही होम टाउन में जंगलों में ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ, डे हाइक के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लोकेशन में अभी बोलूँगा नहीं, लोकेशन में बाद में बोलूँगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो उस जगह पे जाने के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया इस विंटर का, इस बर्फ़ का, कि स्नोफॉल कब। तो चले चलते हैं, अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं हम आगे। आप लोग ये देख रहे हो कि कश्मीर कितनी खूबसूरत हो चुकी है। वाओ यार, बहुत ही सज के बैठी है ये कश्मीर, यहाँ के जंगल। जो ये जगह है ये मेरे होम टाउन में ही है। तो अभी मैं चल ही रहा हूँ अपने डेस्टिनेशन की ओर, बट जो डेस्टिनेशन मेरी है वो बहुत ही खूबसूरत है यार। बस आप उस चीज़ का वेट कीजिए। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस रोड पे, जाना मुझे ऊपर है, ऊपर से फिर दूसरी जगह से टर्न लेना है तो जंगलों में जाऊँगा। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे ये दिखा है, पहले इस जंगल के अंदर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके है अल्लाह ताला ने, बहुत ही खूब सजाया है इनको। तो क्यों ना अल्लाह की ये नियामत देख ले मेरे भाई, चलो आप भी देख लो। ये देखो मेरे भाई, वाओ कितने खूबसूरत है ना। इसके ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ से अपना ट्रैक भी करना है, फिर भी वहाँ तक जाते हैं, देखते हैं। यार बहुत ही खूबसूरत है यार, अभी मैं यहाँ से अंदर गया, वहाँ से घूम के आया, बहुत ही खूबसूरत है यार, मैं किसी वंडरलैंड में खो गया हूँ यार। अकेले खोने का अलग ही मजा है, बट क्या है कि कभी कभी ये वंडरलैंड बहुत ही मुश्किलात भी लाते हैं, तो हमेशा सेफ्टी के साथ चले।
कुदरत के साथ खेलने को बड़ा ही मज़ा आता है मेरे भाई, लेकिन ध्यान से। और हमेशा ये बात याद रखो कि कुदरत को कभी गंदा मत करो, जो भी नेचर की तरफ से रेस्पेक्ट करना सीखो और ये आपको वहाँ से भी रेस्पेक्ट देगा। तो हमें हमेशा इन सब चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए। क्या है कि कोई लोग ऐसे ट्रैकिंग पे आते हैं तो फिर वहाँ पे पॉलीथीन्स छोड़ देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं उस एरिया को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर जा रहे हैं तो देख लीजिए आगे का व्यू आप भी, कैसा लग रहा है ये कश्मीर हमारा। पहलगाम कश्मीर ही बोल सकते हो, पहलगाम से नीचे है बटकूट 10 किलोमीटर्स, और उन्हीं के जंगलों में मैं अभी घूम रहा हूँ, बटकूट के जंगलों में। बट जिस जगह पे मुझे जाना है वो लोकेशन मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊँगा, मुझे कहाँ जाना है वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बोलूँगा। तो गाइस आप देख रहे हो कि कितना खूबसूरत हो चुका है हमारा ये कश्मीर, बहुत ही सच के बैठा है यार, अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत कर दिया है। वैसे भी तो विंटर्स में पूरी जन्नत की वाइब आती है, तो सोचो ज़रा यार, कश्मीर ऐसा है, इतनी खूबसूरती है, तो वो जन्नत कैसी होगी यार, भाई लगाते हुए अल्लाह ताला समझ लेते। मैं बोल रहा हूँ भाई कि मैं वो ज़ुबान कहाँ से लाऊँ कि अल्लाह ताला का शुक्र करूँ, जितना भी शुक्र करूँ बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। और मुझे ऐसी लाइफ दी है, मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए हैं कि जो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। क्या आप भी कभी सोलो जाते हो ट्रैकिंग पे? कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इस लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, लेकिन भाई इस लाइफ में बहुत सुकून है जो सोसाइटी में नीचे कहीं नहीं है। काफी पसीना भी आ चुका है अंदर से। यहाँ से मैंने समर्स में काफ़ी बार स्केटबोर्डिंग की है, अभी तो मैं जंगलों में पूरा घुसा नहीं हूँ, ये भी तो जंगल ही है, बट अभी यहाँ से रोड है तो अभी थोड़ा चलना है, आधे घंटे का वॉक है अभी, तो फिर मैं पूरे जंगलों में घुस जाऊँगा, फिर जंगलों में मेरा ट्रैक होगा। तो गाइज अभी हमारा ये रोड ख़त्म होने वाला है, बस यहाँ तक हमारा रोड था और यहाँ पे हमें ये बाई मिल चुके हैं, तो बोल रहे हैं आगे जाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट स्नो से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो निकलते हम अपने ट्रैक पे, अभी हमारा ट्रैक यहाँ से जंगल वाला ट्रैक स्टार्ट होगा, इस रोड को हम यहाँ पे लीव करते हैं। तो चलो आप भी बने रहिए वीडियो में, मिलते आगे, हम देखते हैं सफ़र कैसा रहेगा।